नमस्कार, राजधावा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में जिन दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था, उनमें से एक के पति आर्मी में सूबेदार थे। उनका कहना है कि मैंने कारगिल युद्ध में देश को दुश्मनों से बचाया, लेकिन दंगाइयों से अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका। उन्होंने बताया, हजार लोगों की भीड़ ने गांव पर हमला किया था। मैं भीड़ से अपनी पत्नी और गांव वालों को नहीं बचा पाया। पुलिस वालों ने भी हमें सुरक्षा नहीं दी। भीड़ 3 घंटे तक दरिंदगी करती रही। मेरी पत्नी ने किसी तरह एक गांव में पनाह ली। वह कई दिनों तक सदमे में रही। घटना के 2.5 महीने बाद भी उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी है। वहीं वीडियो में दिख रही दूसरी महिला की मां ने कहा, अब हम कभी अपने गांव नहीं लौटेंगे। वहां मेरे छोटे लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरी बेटी को शर्मिंदा किया। अब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना 4 मई को थौबाल जिले में हुई थी। इसका वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके ले जा रहे हैं और उनसे अश्लील हरकतें कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।